दोस्तों अक्सर हम ये देखते हैं कि जब एक अभिनेता और एक अभिनेत्री फिल्म में काम करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अक्सर प्यार हो जाता है और वो अपने ही को-स्टार से शादी भी रचा लेते हैं। आपने ऐसा कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, जिसमें काजोल और अजय देवगन को ही देख लीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का नाम भी इस लिस्ट में शुमार होता है, जिन्हें फिल्म के सेट पर प्यार हुआ और इनके अफेयर की खबरें खूब ज्यादा लाइमलाइट में छाई रही और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों का अफेयर किसी फिल्म एक्टर से रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां भी मौजूद हैं जिनका अफेयर एक फिल्म मेकर से रहा है, मगर अब तक उनके अफेयर की खबरें मीडिया तक नहीं फैली और इस तरह से उनका फिल्म मेकर के साथ वो अफेयर सीक्रेट ले रहा है। तो आखिरकार कौन सी है वो अभिनेत्रियां जिन्होंने फिल्म मेकर से ही चक्कर चलाया है, वो भी सीक्रेट तरीके से, आइए जल्दी से जान लेते हैं। नंबर एक, सोनाली बेंद्रे। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली अदाकारा सोनाली बेंद्रे का नाम यहां सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने भी फिल्म मेकर से गुपचुप अफेयर चलाया और वो कोई और नहीं बल्कि इनके आज पति बन चुके गोल्डी बहल हैं। जी हां, साल 1994 में आई फिल्म नाराज के दौरान निर्देशक गोल्डी बहल ने इन्हें अपना दिल दिया था, जिसके बाद इन दोनों का काफी सालों तक लव अफेयर रहा, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन जब सोनाली बेंद्रे ने गोल्डी बहल से शादी की तब सभी लोग हैरान रह गए थे। नंबर दो, अमीषा पटेल। कहो ना प्यार है फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री मारने वाली अमीषा पटेल का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जिन्होंने फिल्मों में तो एक एक्टर के साथ काम किया लेकिन इन्होंने सीक्रेट लव अफेयर चलाया निर्देशक विक्रम भट्ट से। किसी फिल्म को डायरेक्ट करने के दौरान ही विक्रम भट्ट शादीशुदा होते हुए भी अमीषा पटेल के प्यार में गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू किया और 5 सालों तक डेट करने के बाद डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने इनसे दूरी बना ली और अपनी पत्नी के पास वापस लौट आए। इसीलिए आज भी अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट का अफेयर गुपचुप बना हुआ है। नंबर तीन, श्रद्धा कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कम समय में अपनी शोहरत और नाम हासिल करने वाली अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का अफेयर भी फिल्म निर्माता फरहान अख्तर के साथ गुपचुप तरीका से ही रहा था। जी हां, फिल्म रॉक ऑन की शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए और लिव इन में भी रहने लगे। हालांकि ये बात किसी को पता भी नहीं थी। से ही श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फरहान अख्तर से श्रद्धा से दूर रहने के लिए कहा और आज तक दोनों का अफेयर गुपचुप बना हुआ है। नंबर चार, प्राची देसाई। जी हाँ दोस्तों, छोटे पति के पॉपुलर शो कसम से में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस प्राची देसाई भी फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान ही रोहित शेट्टी के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। जी हाँ, वही फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी शादीशुदा होते हुए भी प्राची देसाई को अपना दिल दे दिया था और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए हामी कर दी थी, मगर रोहित शेट्टी और प्राची देसाई का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और जल्द ही उनका ब्रेकअप हो गया और आज भी इनका अफेयर गुपचुप बना हुआ है। नंबर पाँच, रानी मुखर्जी। 90 के दशक की ब्यूटीफुल और टैलेंटेड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का नाम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल है, जिन्होंने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से गुपचुप अफेयर चलाया था। जी हां, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जब आदित्य चोपड़ा ने रानी मुखर्जी को देखा तो वो रानी मुखर्जी के प्यार में ही गिरफ्तार हो गए। इसलिए तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी पायल खन्ना को तलाक देते हुए रानी मुखर्जी से शादी रचा ली, इसलिए तो काफी समय तक इनका अफेयर सीक्रेट रहा। नंबर 6, परिणीति चोपड़ा। फिल्म रिकी बहल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का भी फिल्म निर्देशक के साथ गुपचुप अफेयर रह चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि मनीष शर्मा थे, जिन्होंने न सिर्फ निर्देशक हबीब फैसल से ये कहकर परिणीति चोपड़ा को फिल्म दिलाई बल्कि इनका हमेशा साथ भी दिया। इसीलिए दोनों ने को एक दूसरे के साथ काफी लवी डवी फोटो खींचते हुए भी देखा जाता है। हालांकि अब तक दोनों ने अपने लव अफेयर का खुलासा मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं किया। तो दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों और फिल्म मेकर के सीक्रेट लव अफेयर के बारे में जानकर आपका क्या राय है और आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।